नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी है और अब टीम इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। आपको बता दें, इस T20 सीरीज में राहुल तेवतिया, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को नए प्लेयर के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो वही इस सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस सीरीज का दूसरा मैच 14 मार्च को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। तीसरा मैच 16 मार्च को अहमदाबाद में होगा। चौथा मैच 18 मार्च को और पांचवा मैच 20 मार्च को अहमदाबाद के स्टेडियम पर ही खेला जाएगा और हर मैच 7 बजे से शुरू होगा और हर मैच अहमदाबाद में ही खेली जानी है। तो इस सीरीज में भारत की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो टीम इंडिया के लिए ओपन करेंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली। तो वही ऋषभ पंत की टेस्ट की फॉर्म को देखते हुए इस T20 सीरीज में उनको चुना गया है, इसीलिए KL राहुल को बाहर बैठना भी पड़ सकता है। इसीलिए चौथे नंबर पर हम रख रहे हैं श्रेयस अय्यर को और पांचवें स्थान पर ऋषभ पंत या फिर KL राहुल, छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, आठवें नंबर पर चहल, नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और दसवें नंबर पर टी नटराजन, वही 11वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं। इस सीरीज को लेकर टीम मैनेजमेंट फिलहाल थोड़ी सोच में है क्योंकि प्लेइंग 11 चुनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। टीम मैनेजमेंट को सूर्या कुमार यादव को पहली बार टीम में मौका मिला दिया गया है। हर कोई मान रहा है सूर्या की टीम में जगह होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने IPL और घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कहाँ पर खिलाए सूर्या कुमार को, क्योंकि नंबर 4 पर तो श्रेयस अय्यर खेलते हैं। तो वही ओपनिंग का लेकर भी टकराव है शिखर धवन और KL राहुल के बीच। दूसरी तरफ टीम इंडिया का विकेट कीपर कौन होगा, इसे लेकर भी टकराव है ऋषभ पंत और KL राहुल के बीच। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, नीचे अपने राय बताए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले।